महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, झांसी के युवराज की, झांसी के युवराज की, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की। ये झांसी का उत्तराधिकारी, आपका युवराज, आपकी शुभकामनाओं की आकांक्षा करता है। झांसी के युवराज की, झांसी के युवराज की, झांसी के रानी महारानी लक्ष्मीबाई की, झांसी के रानी महारानी झांसी के युवराज है। अब तो झांसी का मेरे अख्तियार खुल, हक है हक यही है, हक है हक है हक यही है हक। रहती है तबा सोच में ले लो निहार खुल, हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक। है कुल का कुल यही तो भला कुल से खौफ क्यों, फिरता है दर बदर ये मलंग सोगवार क्यों। मैं तुझ में गुम हुआ हूँ तू गुम मुझ में हो चुका, फिर ढूंढते हैं दोनों ही एक दूसरे को क्यों। हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है। हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है। एक नन्हे से बच्चे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आतंकी साम्राज्य की नींव हिला डाली। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बौखला उठा, उसे झांसी अपने हाथ से फिसलती नजर आने लगी। नेल्सन को अपनी तरक्की के सारे ख्वाब चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। वो डलहौजी को अपने सामने देखकर हैरत ज़दा रह गया। डलहौजी इस बात से खफा था कि उसके काबिल अफसर आखिर मात कैसे खा जाते हैं। वो अपने अधिकारियों में उत्साह भरना चाहता था, लेकिन उसका तरीका औरों से अलग था। डलहौजी नेल्सन की वर्दी में लगे तमगे नोचकर फेंकने ही वाला था कि Forgive me, my lord. Please, give me one more chance. इस बार मेरे पास ऐसा प्लान है जो बेकार नहीं जाएगा। मैं गंगाधर और लक्ष्मीबाई की न्यूबॉर्न बेबी को मार डालूंगा। The child is doomed. And so is Johnsy's future. Now I will act very fast. धन्य है झांसी, जहां आप जैसी राजभक्त स्त्रियां निवास करती हैं। आपने अपने प्राणों पर खेलकर केवल हमारी महारानी की ही नहीं बल्कि झांसी के उत्तराधिकारी की भी रक्षा की। झांसी नरेश गंगाधराव नेवालकर आपको झांसी के सर्वोत्कृष्ट नागरिक के पुरस्कार से अलंकृत करते हैं। झांसी वासियों और हमारे मंत्रीगण, झांसी के युवराज की शुद्धिकरण और नामकरण संस्कार शुभ मुहूर्त के अनुसार कल बड़े धूमधाम से संपन्न होगा। डॉकी भाई को लेकर आओ। ओके सर। क्या हुआ? जानकी भाई अंदर नहीं है, वो भाग गई।
यार। औरतों को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है। महाराज, महाराज हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हमारा सर कलम कर दीजिए, मार डालिए हमें। महाराज, महाराज इन भूत फिरंगियों के हाथों से मरने से अच्छा तो कि हम हमारे पापों का दंड आप ही के हाथों से प्राप्त करें। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, परंतु आज हम आपको बताते हैं, इन सारे षड्यंत्रों के पीछे हमारा हाथ था महाराज। महारानी साहिबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हम क्षमा इसलिए नहीं मांग रहे कि हम प्राण दंड से बचना चाहते हैं, तो इसलिए मांग रहे कि हमारे कुकर्मों के कारण आप जैसे वीरांगना को बड़े दुख झेलने पड़े। परंतु महारानी साहिबा, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी बच्ची को। तुमने जो घृणित कार्य किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। महाराज, पूरा राज्य हमारे पुत्र के जन्म की खुशियां मना रहा है, ऐसे अवसर पर ये शोभा नहीं देगा। और वैसे भी वाहिनी साहिब है तो हमारे नेवालकर वंश की, इन्हें क्षमा कर दीजिए। जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु केवल केवल महारानी के अनुरोध पर जाओ, हमारी आंखों के सामने कभी नजर मत आना, अन्यथा हमें कुछ बातें याद आ जाएगी। महारानी साहिबा, हमने जो अपराध किया है भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, आप देवी हो। अरे अरे वाहिनी साहब, आप ये क्या कर रही हैं? हमें पाप का भागीदार मत बनाइए, महाराज आपको क्षमा कर चुके हैं ना। और वैसे भी हमें युवराज के शुद्धिकरण और नामकरण की बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलिए आप भी हमारी सहायता करें। आज हम आपके पिता हैं, पिताश्री। चलिए चलिए चलिए। अरे मेरा युवराज, अरे सुनो सुनो, अरे और हाँ युवराज, ये आपके नाना जी हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं इससे अपने आप को नाना नहीं बुलवाऊंगा, ये क्या कहेगा मुझे, ये मुझे नानोबा कहेगा। अवश्य अवश्य, नानोबा अच्छा है। अच्छा है, और इसके मुंह से शुभ भी लगेगा। हाँ महाराज, सच बहुत अच्छा लगेगा।
महाराज हमें लगता है इसे भूख लगी है। इसे भूख लगी? कोई है? महाराज इतना छोटा बच्चा खाता नहीं है। हम तो भूल ही गए, वर्षों के बाद महल में ऐसा वातावरण है ना। महाराज अब तो सब चले गए, आप भी जाइए ना, ये भूखा है हमें इसे। महाराज अब शीघ्र लौटते हैं। बस बस लक्ष्मी एक मिनट। वाह बिल्कुल हमारे जैसा लगता है हमारा युवराज। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज, ये इतना छोटा है और आप अभी से इसे राजा बनाने के सपने देख रहे हैं। छोटा है तो क्या हुआ, है तो हमारे हृदय का टुकड़ा है, इसने हमें जीने की आस दी और आपने भी। मनु मैं भी इसकी मालिश करूंगा। बाबा हाँ मैं। अरे 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 क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मनु, तुम जब इतनी सी थी ना तब मैं तुम्हें भी ऐसे ही मालिश किया करता था। अब मुझे विश्वास हुआ कि मेरी मनु सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी ख्याल रख सकती है। मेरी दृष्टि में आज तू बड़ी हो गई है बनु, सच। बाबा आपकी मनु हमेशा आपकी ही मनु रहेगी, वो कभी बड़ी होना चाहती ही नहीं। हाँ हाँ रहने दे, बाल गोपाल की कृपा से आज ये दिन देखने का मौका मिल गया और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पुत्र के नाम का पहला अक्षर बाल गोपाल के ही नाम से निकलेगा। हाँ, अवश्य। महाराज दा अक्षर से नाम रख सकते हैं। अब तू ही चंदा है सूरज है मेरा, मेरी ममता की दुनिया में किया उजियारा, मेरी आंखों का तू नूर बेटा प्यारा। द, आपका नाम द से शुरू होगा और आपको पता है आपके आने से झांसी का भविष्य सुरक्षित हो गया। अब आपको अपने पिता महाराज की तरह एक शक्तिशाली शासक बनना है और इन धूर्त फिरंगियों पर कभी विश्वास मत कीजिएगा, हम स्वयं प्रशिक्षित करेंगे आपको, पल पल आपको मार्गदर्शन देंगे। लक्ष्मी बाई सदैव आपके साथ रहेगी बेटा, सदैव। Thank you.
हमारा राजा बेटा तैयार हो गया। मलिका आलिया, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं, हम तैयार हो जाते हैं। जाओ 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 जाओ। अत्यंत प्रतीक्षा के पश्चात आपको अकेला पाया। झांसी के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे आपके। युवराज के आने के पश्चात जीने की लालसा बढ़ गई है। अब हमें विश्वास है कि झांसी पूर्णतः सुरक्षित है। यदि हमें कुछ हो जाए तो हमें उसका कोई खेद नहीं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। हम तो भगवान से मनाते हैं कि आपको 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो और हमें 100 पुत्र हो। हे बेवा, ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए छोड़िए हमारा हाथ, हमें तैयार होना। अब तो हम आपको रोकने का साहस भी नहीं कर सकते। हमें केवल आप ही रोक सकते हैं। हम तो भगवान से यही मना रहे हैं कि नामकरण संस्कार निर्विघ्न पूरा संपन्न हो जाए। अवश्य अवश्य। महारानी, अब पहले जाके देख कर आओ शुद्धिकरण के लिए दूध आया या नहीं। जी अभी देखती हूँ। भगवान, इस दूध में तो विष था। मेरा बच्चा। हे भगवान, मेरा बच्चा क्या कर दिया इसने? हे भगवान, मेरा बच्चा क्या हो गया? हे भगवान, क्या कर दिया इसने? हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को?